रास्ते भर मुझे कंधों पे उठा कर लाए। अच्छा हाँ माँ, आज अगर देखते तुम क्या जोश था सब। वाह वाह मेरा अच्छा बेटा। अरे वो तुम बिस्तर से क्यों उठ रही हो माँ? बोलो ना क्या करना है, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं उठने दे मुझे। ओहो अच्छा माँ, तुमने भगवान से क्या कहा? कहती क्या? मैं तो रोज कहता हूँ पर भगवान मेरी सुनते ही नहीं। क्या? यही कहता हूँ कि भगवान हमारे सब दुख कष्ट दूर कर दो, मैं जल्दी से बड़ा होकर रोजगार करने लगूं, खूब रुपए कमाऊं और अपनी माँ को खुश कर दूं। तेरे रोजगार करने से ही मैं खुश हो जाऊंगी क्या? नहीं तो फिर मेरे क्या करने से तुम्हें खुशी होगी? बोलो माँ, चाहे जितना कठिन काम हो मैं करूंगा, बोलो ना। तू करेगा? क्यों नहीं, तुम कहो तो सही। जानता है माँ अपने बेटे से क्या चाहती है? क्या माँ? रुपया नहीं, पैसा नहीं, रोजगार नहीं। माँ तो सिर्फ ये चाहती है कि वो अपने बेटे पर गर्व कर सके। जीजा माता और शिवाजी की मिसाल तेरे सामने है। पंडित नेहरू, नेताजी, इन सब की माओ की तरह मैं भी एक माँ कहलाऊं। ये सम्मान दिला सकेगा तू मुझे? बड़ा होकर ऐसे काम करेगा तू? जरूर करूंगा माँ, तुम्हारी सौगंध, मैं तुम्हारा ऐसा ही सपूत बनकर दिखाऊंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। माँ आज तो तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ माँ। अच्छा बेटा जा, तू अपनी पढ़ाई कर। माँ आज मैं बिल्कुल थक गया, आज आराम कर लूँ, कल सुबह पढ़। नहीं बेटा, पढ़ाई का हर्ज न कर। अभी तूने मुझे जो वचन दिया है उसकी पहली शर्त यही है कि तू पढ़ लिख कर सच्चा इंसान बने। जा बेटा जा, जा पढ़ाई कर। अच्छा माँ, तुम लेट जाओ। जानती हो माँ, आज डॉक्टर साहब तुम्हारे लिए कितनी चिंता कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि दिल के रोगी को पूरे आराम की जरूरत है, ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। माँ तुम बिस्तर से बिल्कुल मत उठना, कोई काम मत करना, मैं आकर सब कर लूंगा। अच्छा बेटा जा, तेरे स्कूल जाने का समय हो गया, जा। मैंने बार्ली बनाकर रख दी है, वो पी लेना, ये दवा भी दो दो घंटे के बाद पी लेना। अगर मैंने स्कूल से आकर देखा कि तुमने दवाई नहीं पी है तो। यहाँ है? अरे ये यहाँ है। बापू की कंपनी से अब तक कोई चिट्ठी नहीं आई, वही एक चिट्ठी आई थी कि विचार कर रहे हैं। कितने दिन तो हो गए और यहाँ सब लोग। वो लोग जरूर पैसे भेजेंगे बेटा, वो जानते ही हैं कंपनी का काम करते करते ही तेरे बापू की जान गई थी। तू उन्हें और एक चिट्ठी लिख दे, सारी बातें समझा कर लिख देना कि हम किस तरह यहाँ दिन गुजार रहे हैं। जो कुछ रुपए हमें मिलने हैं जल्दी भेज दे। अच्छा माँ। हाँ बेटा। तो मैं चलूँ? जी बेटा। हेलो
क्यों राम ना? रुपए आए? अभी तो नहीं है माता जी। हम कहते हैं किराया नहीं दे सकते तो घर खाली कर दो, क्यों खामखा बहाने बनाते? ये बहाना नहीं है माता जी, बस दो चार रोज मेरे पे। अरे दो चार दिन करते करते तो चार महीने बीत गए। परसों तक अगर किराया नहीं दिया तो बोरिया बिस्तरा उठा के बाहर फेंक दूंगा, समझे? कल जो सवाल बताए थे वो किए हैं सबने? अच्छा हरी, ये सवाल किया है तुमने? क्या बोल रहे हो? कल ये शहीद हो गया सर, मैं तुम चिल्लाते चिल्लाते इसका गला बैठ गया है। तुमने सवाल किया है? नहीं सर, मैं तो कल मैच खेल रहा था। बैठ जाओ विनोद। बैठ जाओ। तुम भी नहीं रामनाथ? सर सर, इसी ने तो मैच जीता था। दे गोल पर गोल, दे गोल पर गोल। बैठ जाओ, मैं सब जानता हूँ। क्यों रामनाथ, सवाल किया था? जी सर। शाबाश, देखा खेल कूद को पढ़ने से रोकता है। अच्छे लड़के दोनों में चमकते हैं, तुम लोगों का तो मन ही नहीं लगता पढ़ाई। रामनाथ आओ, ये सवाल करके बताओ सबको। रामनाथ तुमको हेडमास्टर साहब ने बुलाया है। हाँ तो देखो सर। आओ। फीस लाए हो? सर आज तो, आज तो आखिरी तारीख है, आज फीस नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। सर बस दो एक दिन में पिताजी की कंपनी से रुपए आ जाएंगे। कब आएंगे? यही कहते कहते चार महीने तो हो गए। दो दिन की मोहलत और दे दीजिए सर। नो 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 नो, रूल इज रूल। मुझे भी तो कायदे कानून के मुताबिक चलना पड़ता है, कमेटी को जवाब देना पड़ता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर तो अब मैं पढ़ ना पाऊंगा? तो मैं क्या करूं, तुम जा सकते हो। क्या हुआ, क्या हुआ रामनाथ? कहाँ जा रहे हो रामनाथ, क्या बात? सर चार महीने से स्कूल की फीस नहीं दे सका, इसलिए मेरा नाम कट गया। नाम कट गया? तुम्हारे जैसे मेहनती और तेज लड़के का नाम कट गया? हेडमास्टर साहब कुछ, उन्होंने कहा कि उन्हें भी कायदे के अनुसार चलना पड़ता है। रामनाथ हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। आज स्कूल के रजिस्टर से भले ही तुम्हारा नाम कट जाए, लेकिन एक दिन सबकी जुबान पर तुम्हारा नाम होगा। देख लेना, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। बड़ी जल्दी छुट्टी हो गई। क्यों, जवाब क्यों नहीं देता? क्या बात है रामू? फीस नहीं दी इसलिए मेरा नाम कट गया। इसलिए तू रो रहा है, तेरी आंखों में आंसू। छी छी, रोया तो बुजदिल करते हैं। तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना रामू, तू क्यों रो रहा है? रोने से क्या होगा, इस दुनिया में गरीबों का जीना बड़ा कठिन है रामू। गरीब घर में जन्म लिया है तो तुझे हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सब मुसीबतें झेल कर ही तुझे आगे बढ़ना है। याद रख, जितनी ही बड़ी बाधा होगी
उसे पार करने में उतना ही गौरव है। जरा मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाऊंगी। तू फिक्र न कर बेटा, जैसे भी हो मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगी। माँ तुम लेट जाओ माँ, नहीं तो तुम्हारा सर जगह जगह तुम गिर पड़ोगी। चलो लेट जाओ, चलो। देख देख कंपनी से चिट्ठी आई होगी, पैसे आए होंगे। जा बेटा जा, देख देख बेटा। अच्छा माँ तुम लेट जाओ, तुम लेट जाओ। क्या लिखा है बोलना, क्या लिखा है? हमें रुपए नहीं मिलेंगे माँ, लिखा है बाबू की मौत के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार नहीं? बेईमान, जिनके लिए वो अपनी जान दे गए वही कहते हम जिम्मेदार नहीं। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। जो अन्याय करता है और जो अन्याय बर्दाश्त करता है दोनों बराबर हैं। मैं उनके पास इंसाफ की मांग करूंगी। मैं जाऊंगी, मैं कोई डॉक्टर को बुलाइए ना। गरीबों का जीना बड़ा कठिन है रामू। गरीब घर में जन्म लिया है तो तुझे हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बड़ी बाधा होगी उसे पार करने में उतना ही गौरव है। सुनिए भाई साहब, जरा सुनिए। क्या है? मुझे कोई काम मिल सकता है? काम? जी हाँ, कोई भी काम हो मैं कर लूंगा। कर लूंगा? तुझसे क्या काम होगा?
रास्ता पार कर दो भाई, मुझे कोई उस तरफ ले चलो। भाई मुझे उधर जाना है, कोई ले चलो ना, मुझे रास्ता पार करा दो ना भाई। अंधा है क्या? मर जाता तो? हाँ भाई, अंधा ही तो हूं, कुछ भी देख नहीं सकता। कितनी देर से पुकार रहा था लेकिन किसी ने रास्ता नहीं पार कराया। कहाँ जाना है तुम्हें? उधर एक चने वाले की दुकान है, वहां। इतनी सुंदर आंखें किसी काम की नहीं, चलो मेरे साथ। आओ। ये क्या है? मेरे पांव। पांव? हाँ, इन्हीं के सहारे तो मैं चलता हूँ। जैसे तुम नयनहीन, वैसे मैं चरणहीन। तुम्हारा नाम क्या है? मोहन। मोहन? तुम्हारा? रामनाथ। रामू। रामू? अच्छा, तुम रहते कहाँ हो? कोई ठिकाना नहीं, जहां जगह मिल जाए। तुम कहाँ रहते हो? फिलहाल तो मैं भी सरकारी फुटपाथ का मेहमान हूँ। ओह, तो तुम भी मेरी तरह हो। तुम्हारा और कोई नहीं? नहीं, मैं भी अकेला हूँ। अच्छा मिला है भगवान ने, साथ रहेगा। लो, दुकान आ गई। भैया। हाँ भाई। चार आने का चना कुरमुरा देना। अच्छा ले ओ। चलो आओ। कल कटियन के पार जो करेंगे सो भरेंगे, तुम क्यों गए हो? मैं यहाँ बैठो। तुमने खाया? लो खाओ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। देखो, एक बार जब मेरा हाथ थामा है तो अब मुझे पराया मत समझो। तुम भूखे रहो और मैं खाऊं, ये नहीं हो सकता भाई। और आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम मेरे दोस्त हो ना। हाँ, लो खाओ। तुम्हारे पैर को क्या हुआ था? एक्सीडेंट, मोटर से कुछ हो गया था। आज ही अस्पताल से छुट्टी मिली है। अस्पताल? तुम अस्पताल में थे? हाँ। क्यों? वहाँ कोई नर्स है, मीना नाम की, बहुत सुंदर है, गोरी गोरी लंबी सी। वहाँ तो सभी को सिस्टर कहते हैं, नाम तो किसी का। क्यों, कौन है वो? मेरी दीदी। दीदी? हाँ, उसी को तो ढूंढ रहा हूं। अच्छा, कौन सी अस्पताल में है तुम्हारी दीदी? कौन से? ये तो नहीं मालूम। तो फिर कैसे ढूंढोगे? यहां तो बहुत से अस्पताल हैं। जैसे भी हो, पता तो मुझे लगाना ही होगा। अच्छा, मैं हर एक अस्पताल के सामने जाकर खड़ा रहूंगा, मैं भले ही ना देख पाऊं, दीदी तो मुझे देख ही लेगी। सच, कितनी सुंदर आंखें हैं तुम्हारी। जोत बिना ये सुंदरता किस काम की? मेरे लिए तो सब अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक समय था जब सभी कुछ दिखाई देता था, सभी कुछ था अपना। गांव में नदी के किनारे घर था, कितने सुख भरे दिन थे। अचानक एक दिन अंधेरा छा गया, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। दीदी, दीदी, दीदी,
प्रेजेंट किया, मेरी आंखें कभी ठीक नहीं होंगी क्या? बोलो ना दीदी, बोलो ना। गोपाल डॉक्टर ने कहा इलाज तो हो सकता है, पर शहर ले जाकर किसी आंख के बड़े डॉक्टर को दिखलाना पड़ेगा। अंदर दीदी, तो क्या मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगा? नहीं, तो घबराता क्यों है? मैं आज ही शहर जाती हूँ। पहले मैं वहाँ जाकर अस्पताल में नर्स का काम सीखूंगी, फिर वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर से तेरी आंखों का इलाज कराऊंगी। तू फिर से देखने लगेगा मोहन, जरूर देखने लगेगा। तुम शहर चले जाओगी? हाँ, जाना ही होगा। तब तक मैं इसकी देखभाल करूँगा। और दीदी उसी दिन शहर चली गई। कुछ दिनों बाद उसकी चिट्ठी आई कि वो नर्स बन गई है, लेकिन तभी एक रात के ससुराल से खबर आई है उसकी तबीयत खराब है, मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। तू सो जा बेटा, मैं कल सवेरे आ जाऊंगा। तमाम बेघर बार लोगों के साथ मैं भी शहर आ पहुंचा, और तब से मैं दीदी की तलाश में भटकता फिर रहा हूं। तुम रो रहे हो, आंखों पे रोशनी नहीं है, लेकिन पानी तो है। एक न एक दिन तुम्हारी दीदी जरूर मिल जाएंगी। चलो सो जाओ। आ गया। हाँ। आके खोलो। खोल खोल। ला मेरा हिस्सा। चारा में नहीं, आटा में। दिन भर साथ में घुमाया। अबे जा जा। जा जा। शोर मत कर, दूंगा आटा ना दे दा। आ गया। ले 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 ले। भाग 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 भाग। जल्दी भाग। चलो सो जाओ। ए उठो भाई, ए झाड़ू वाला आया, उठो जल्दी। अरे क्या फजर फजर जल्दी आ जाता है। चलो उठो, सवेरा हो गया। तुम दिन में क्या करते हो? भीख मांगता हूँ। भीख? हाँ। छी छी छी। और चारा ही क्या है? भीख ना मांगू तो कौन खिलाएगा मुझे? तुम ही बताओ, दिन भर भूखे रहे, किसी ने ख्याल किया तुम्हारा? दुनिया के लिए मंदे अपाहिज किस काम की? मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं। कभी नहीं? तब तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा भाई। चाहे मर जाऊं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। पहले पहले मैं भी कई दिन तक भूखा रहा, लेकिन रह न सका, आखिर हाथ फैलाना ही पड़ा। उस दिन लगा जीना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। कौन बजा रहा है ये? मैं। तुम? बड़ा अच्छा बजाते हो, बजाओ बजाओ ना। Thank you.
बंद क्यों कर दिया? लोग भीख दे रहे हैं। भीख? ये भीख नहीं है भाई, तुमने तो किसी से मांगा नहीं था। तो फिर क्यों दे रहे हैं? आनंद से। आनंद से? हाँ, तुम्हारे बाजे ने उनका दिल बहलाया, उन्हें खुश किया, इसलिए तुम्हारी कला का वो मान कर रहे हैं। ये भीख नहीं है भाई। कौन है रामू? परिदेश की राजकुमारी। परिदेश की राजकुमारी? हाँ, वो कहानी सुनी है तुमने? परियों की एक राजकुमारी थी, जो हंसती थी तो फूल झड़ते थे और रोती थी तो मोती गिरते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही सुंदर है। बहुत बड़ी हवेली है। अच्छा, फाटक पे बंदूकाना संतरी खड़ा है। अब थोड़ा और नहीं बजाओगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बजाओ ना। अच्छा, बजाता हूँ। नहीं, तुमसे हम कुछ नहीं ले सकते। लेकिन सबसे तो लिया। पर तुमसे नहीं लेंगे। क्यों? तुमने पहली बार हमें बुलाकर बाजा सुना है ना, इसलिए। और फिर छोटी बहन से कहीं कुछ लिया जाता है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है मोहन, इसका रामू। मोहन, रामू। मेरा नाम है मंजुला, सब लोग मुझे मंजू कहते हैं। मगर हम लोग तुम्हें राजकुमारी कहेंगे। क्यों? रामू कहता है तुम परियों की उस राजकुमारी जैसी लगती हो, जो हंसती है तो फूल झड़ते हैं। तुम लोग फिर यहाँ आओगे ना? हाँ, जरूर आएंगे। देखो, छोटी बहन से बाजा कर रहे हो, भूलना मत। नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ आकर बाजा बजाना, मैं सुनते ही चोरी चोरी आ जाऊंगी। चोरी चोरी क्यों? मुझे सब लोग बिस्तर से उठने को मना करते हैं, डॉक्टर अंकल कहते हैं मैं बहुत बीमार हूँ। तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगी। हाँ। मेरे भैया आ रहे हैं। मंजू, तुम फिर नीचे उतर आई, चलो ऊपर जाके आराम करो। लक्ष्मी, रामू, बिहारी, इस तरह नहीं, धीरे चलो। No
नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते अशोक। सिस्टर मीना, तुमने कहा था ना, इसलिए रात को मंजू की देखभाल के लिए इनको ले आया हूँ। मेरी जान पहचान में सबसे होशियार नर्स है। नमस्ते। नमस्ते। आइए। आओ सिस्टर। मंजू कैसी आई? मंजू अपना घूमना फिरना नहीं बनकर। अच्छा? बार बार बिस्तर से उठ जाती। ना जाने कहाँ की दो भिखारी उनसे मिलने के लिए अभी नीचे उतर आई थी। ये अच्छी बात नहीं, तुम उसको बिस्तर से बिल्कुल मत उठने दो। कहाँ है हमारी मंजू बिटिया? मंजू क्या हो रहा है भाई? है हमारी रानी बिटिया नाराज मालूम होती है। क्यों? ये भैया मुझे बिस्तर से उठने क्यों नहीं देते हैं? ओह ये बात है भाई, तुम्हारे चलने फिरने से बीमारी बढ़ती है ना, इसलिए मना करते होंगे। देखें, है गुड गर्ल। मैं जानता हूँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी नहीं लगता होगा। थैंक यू। इसलिए देखो, तुम्हारे लिए एक सहेली ले आया हूँ, ताकि तुम्हारे पास रहा करेंगी, तुमसे बातें किया करना। सिस्टर। यस डॉक्टर। अब तुम मेरी मंजू बिटिया का दिल बहलाया करना जी। और इसे कहानी भी सुनाया करना। खुश है? गुड गर्ल। सिस्टर सिंग प्लीज। अशोक मैं तुम्हें पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि ये रोमांटिक हाथ का मामला है, कभी भी किसी वक्त कुछ हो सकता है, लिहाजा बड़े एहतियात की जरूरत है। मैं तो बराबर ख्याल रखता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन ये नौकर चाकर। अरे नौकर चाकरों से कई घर वालों जैसी देखभाल हो सकती है। अशोक मेरी मानो तब तुम शादी कर लो, मेरा मतलब है मंजू के लिए एक भाभी ले आओ। मैं अनजाने में कोई कदम नहीं उठाना चाहता डॉक्टर साहब, सोचता हूँ अगर किसी ने इस घर में आकर मंजू को उतना ही प्यार नहीं किया जितना कि मैं करता हूँ तो क्या होगा। That's true. फिर भी रुक क्यों गया रे? बजा, यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं। लोग आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर चल देते हैं। फिर भी तो बजाए जा रहा हूँ। कब तक बजाऊं? कहा ना, यहाँ कोई नहीं सुनता। मगर तू सुना, अपने सुरों से उनको पुकार, अपना दर्द उनके दिल में भर दे रहा हूँ। तू बजा, बजा ना। रहा है, रुक मत, तू बजा, बजा ना। जी
जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहाँ के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा भटकता मैं यहाँ से वहाँ, और परेशान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा ये लो। तू तो बहुत अच्छा गा लेता है मोहन, बड़ा मीठा गला है तेरा। आज तो बहुत पैसे मिल गए। तूने इतना अच्छा गाया तभी तो मिले हैं। बिना तेरे बजाय मैं कैसे गा सकता था, तेरी धुन सुनकर ही तो मुझे गाना याद आया। आओ
तू रुक क्यों गया रामू, चल ना। क्या हुआ रामू? किताब देख रहा हूं, अलजेब्रा की है, यही मेरे क्लास में चलती थी। ए, क्या करता है, है? है? चुराने का इरादा है क्या? चल भाग, चल। ऐसा क्यों कहते हो भाई, मेरे कोर्स की किताब है। कोर्स की किताब है, चोटा कहीं का। चल। कितने की है? जा जा रास्ता देख, खड़ा आया खरीदार कहीं का। किताब कितने की है? दो रुपए की, दो रुपए की। दे दे रामू, समझता है कि हम चोर है। ये लो, ये ले। आ मोहन, चल चले दस पैसे। आ मोहन, आप ही ठगा गए साहूकारी में। अरे अठन्नी की चीज दो रुपए में ले गए। खुद देख कर क्यों नहीं चलते, नवाब की तरह बीच में चलते, क्यों बेटा लंगर दिन? देखो गाली मत दो। ओ मिजाज दिखा है भिकारी कहीं का, चल हट सामने से। ये लोग कौन है रामू, हमने इनका क्या बिगाड़ा है? बेकार झगड़ा मत करो भाई। ये किताब किसकी है? अलजबरे की किताब। ये किताब मेरी है, लाओ मुझे दो। चलो चुराई होगी इसने। नहीं नहीं, ये हमने अभी पढ़ने के लिए खरीदी है, लाओ। बाप बेटा, ये मुंह और मुसुर की दाल, भीख मांग जाके भीख पढ़ेगा। ये किताब सचमुच हमने खरीदी है, क्या तू भी पढ़ेगा? लो भाई, अब अंधे भी पढ़ने लगे। ये झांसा कहीं और देना। किताब दो मुझे। दुरच चुटके कहीं का। किताब नहीं दोगे? नहीं नहीं नहीं। सर, इसने ये किताब चुराई है। किताब चुराई है? हाँ सर। ये किसकी किताब है, ये किसकी किताब है, बोलते क्यों नहीं? किसकी किताब है ये? ये किताब मेरी है सर। तुम्हारी है? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? रामनाथ गुप्ता। रामनाथ गुप्ता, इस पे तो नाम वाम कुछ नहीं है? ये किताब हमने अभी अभी खरीदी है। अच्छा, चलो भागो, चलो चलो। अम्मू, रामू, कहाँ गया? रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? सवाल कर रहा था। सवाल? तू रात भर सवाल करता रहा? तेरा शौक तो कम नहीं। शौक नहीं मोहन, ये मेरा व्रत है। मैंने माँ को वचन दिया था, पढ़ लिख कर इंसान बनूंगा। लेकिन जाने दे इस बात को। तू पढ़ेगा, स्कूल जाएगा? चाहता तो बहुत, मगर कैसे होगा? अच्छा रामू, तेरे पढ़ाई के लिए कितने पैसे लगेंगे? बहुत, भर्ती होने में ही तो कितने रुपए लग जाएंगे। एडमिशन फी, टर्म फी, ट्यूशन फी, किताबें, कापियां, ये सब मिलाकर 50-60 रुपए तो होंगे। 50-60? कम से कम 50-60 रुपए, कौन देगा इतने रुपए? रामू, सुना है दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहां पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं लगते, सारा खर्चा सरकार करती है। हमारे देश में ऐसा कब होगा रामू? होगा रे, एक दिन जरूर होगा, मगर तब तक अपनी पढ़ाई लिखाई की उम्र बीत चुकी होगी, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। रामू, रुपए मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। कहां से, कौन देगा इतने रुपए? राजकुमारी। अरे वो लोग इतने अमीर आदमी हैं, उनके लिए 50-60 रुपए देना कौन सी बड़ी बात है? राजकुमारी रुपए जरूर दे देगी।
दे तो देगी, लेकिन मांगूं कैसे? क्यों? अरे छोटी बहन से कोई पैसे मांगता है? ये भी तो ठीक है, मगर रामू उधार तो ले सकते हैं ना। तू स्कूल में भर्ती हो जा, फिर थोड़ा थोड़ा करके वापस कर देंगे, है ना? अच्छा तो फिर चल, आज ही वहां जाएंगे। चलो। राजकुमारी, मैं तुम लोगों से नहीं बोलूंगी। क्यों? इतने दिन तक आई क्यों नहीं? मैं रोज रास्ता देखती थी। अब की माफ कर दो, अब हम जल्दी जल्दी आया करेंगे। तो तबीयत कैसी है? बस वैसे ही हूँ। तुम लोग कैसे हो? अच्छे हैं। रामू बोल। तू बोल। अरे क्या ना, तू बोल ना। क्या बात है? आज आज हम तुमसे कुछ मांगने हैं राजकुमारी। क्या बात? यह है कि राम स्कूल में भर्ती होना चाहता है। अच्छा? हाँ, और उसके लिए कुछ रुपए चाहिए। तुम अगर दे दो तो काम बन जाएगा। कितने रुपए चाहिए? 60 रुपए। 60 रुपए? हम धीरे धीरे लौटा देंगे, लेकिन इतने रुपए तो मेरे पास नहीं। 60 रुपए? 60 रुपए? मंजू। अच्छा तुम लोग यही थे ना, मैं भी आती हूँ। मंजू कहा था ना बिस्तर से मत उठना। भैया मुझे डांटना बाद में, पहले 60 रुपए दो। 60 रुपए? क्या करोगी? रामू को चाहिए, वो पढ़ने जाएगा। रामू? हाँ वो जो बाजा बजाता है ना। ये लोग तो रास्ते के भिखारी हैं। नहीं नहीं भैया, ये लोग भिखारी नहीं है। उस दिन मैंने रुपया दे दी थी, इन्होंने नहीं लिया। आज इन्हें सचमुच जरूरत है, रामू स्कूल में भर्ती होगा ना। अच्छा तुम ऊपर चलो, मैं इन्हें देता हूँ। 60 रुपए दोगे ना? हाँ हाँ दूंगा, तुम चलो। तुम तो गेट पर आओ। देखो बार बार इस तरह के मंजू को परेशान मत करो, आइंदा कभी मत आना। ये लो। अरे देखता क्या है, खूब एक लिया। जाओ 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 जाओ। रुपए मिले? 5 रुपए दिए हैं। 5 रुपए लौटा दे रहा हूँ, वापिस कर दे। रामू सुनो, भर्ती होने के बाद मिलना। हाँ अब वापस नहीं कर सकते, राजकुमारी का दुख होगा। मंजू अब तुम वहां क्या कर रही हो? चलो लेटो आके। भैया रामू रोते रोते क्यों गया? बोलो ना क्यों गया? मुझे क्या मालूम? तुमने उसे रुपए नहीं दिए ना? ये तो है। कितने? 5 रुपए दिए। 5 रुपए? बस 5 रुपए से क्या होगा? तुमने मुझसे क्यों कहा था कि मैं 60 रुपए दूंगा? क्यों कहा था? दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना हो। मंजू
ही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। चिंता ही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। अपना तो है हमरा तेरे कोई अपना तो है। ओ, 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 सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। तब जलते हैं पथ के दीप निगाहों में, इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे अपना तो है। ओ, 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 सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। यहां बैठ मुहट बैठ संभल के। कितने हुए? 4.25 रुपए। 4.25? इतने पैसे अगर रोज मिले तो महीने में 100 रुपए हो ही जाएंगे, और अगर हम लोग और ज्यादा मेहनत करें यानी कि सुबह से शाम तक घूमें तो हम लोग और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, है ना? रामू, तेरी फीस कटवाने में अब देर नहीं लगेगी, तू जल्दी स्कूल में भर्ती हो जाएगा, बहुत ही जल्द। और उसके बाद? उसके बाद क्या, तू रोज मुझे किसी एक जगह पर छोड़ जाया करना और शाम को छुट्टी के बाद साथ ले आना। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तू अकेला तकलीफ उठा के रोजगार करेगा और मैं आराम से स्कूल जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। स्कूल तो तुझे जाना ही होगा रामू, तुझे अपने माँ को दिया हुआ वचन निभाना है। और देख, पढ़ लिख कर जिंदगी में तू कुछ अगर बनेगा नहीं तो हमारी ये दुख दर्द कैसे दूर होंगे, कौन देखेगा हमारी तरफ? गाने में मुझे तकलीफ कैसी भाई, मुझे तो बड़ा आनंद मिलता है। राम, तू स्कूल जाएगा ना? बोल, जाएगा ना? अच्छा, जाऊंगा। रामू, तूने कहा था ना
मुझे सब अस्पतालों के सामने ले जाएगा। बस तू रोज मुझे किसी एक अस्पताल के सामने छोड़ा है करना। हाँ मोहन, क्या दीदी मिल जाएगी तब तो तू मुझे छोड़कर उनके साथ चला जाएगा। कैसी बातें करता है रामू, अरे पागल, दीदी मिल जाएगी तो मैं तुझे छोड़ क्यों जाऊंगा। हाँ तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, कभी नहीं। मैं भी तुझे छोड़कर कहीं नहीं रह सकता मोहन, कहीं नहीं। कैसे रह सकता है, भगवान ने हमें बिछड़ने के लिए थोड़े ही मिलाया है। लो गोली खा लो, अब पानी पी लो। कई नहीं, फिर पानी पी लो। अब गई। अच्छा सिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? सिस्टर। ये सिस्टर सिस्टर पुकारना मुझे नहीं अच्छा लगता। क्यों, सभी तो मुझे सिस्टर कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। तो क्या मुझे नाम से पुकारोगी? नहीं, अगर मैं तुम्हें दीदी कहूँ तो जवाब क्यों नहीं देती? क्या तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं? एक था मेरा भाई, वही मुझे दीदी कहता था। पता नहीं अब वो है भी या नहीं, और है तो कहाँ है। अच्छा मैं तुम्हें दीदी कहूँ ना? हाँ सो जाओ अब। पैसे लेकर यहाँ रहना तो बड़ा खतरनाक है। ये पैसे तो अपने पास है। अच्छा हुआ जो तू जाग गया, नहीं तो ये सब चले जाते थे। हम अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तू कल ही कोई दूसरी जगह देख। अच्छा चल सो जा। देखना कितनी शरीफ बस्ती है, अब तो बड़े बड़े लोग आते हैं रहने के लिए और देखने के लिए। आओ 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 आओ, आओ। कितनी बढ़िया जगह दिला रहा है। Thank you.
बढ़िया जगह बस्ती में दूसरी नहीं, दोनों ओर से खुली है ना। हवा रोशनी तो इतनी भरपूर मिलती है कि पूछो मत। बरसात में बौछार भी खूब है ना। पहले अंदर आकर देखो तो सही, दोनों इतने आराम से रहोगे कि पूछो मत। आओ आओ देखो देखो, तुम तो तकदीर वाले, जो ये मकान खाली मिल गया, वरना ये खाली रहता ही कहाँ है। कौन है, कौन है? ओ तू, ये बंसी था, बंसी यहाँ छिपके सोया था आके। इसकी आदतें ऐसी हैं कि पूछो मत, इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। इससे जरा होशियार रहना। इस खिड़की में मैं आज ही छड़े लगवा दूंगा। ये जगह तुम्हें पसंद है ना जी? देखो भाई, किराया मुझे बराबर टाइम से मिल जाना चाहिए, बाकी रहने से ऐसी झंझट होती है कि पूछो मत। हम हमेशा पेशगी दे देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग आराम से रहो, मैं बाद में आता हूँ। नंदू, आ नंदू, सारा दिन उधम खेल स्कूल जाने का नाम नानी मत दिए, सारा दिन दोस्तों के साथ गुल्ली गेंदा पतंग, चल जा पढ़ने दिन जाता है, इधर आ। मारोगी तो नहीं? स्कूल नहीं जाएगा जरूर मारोगी, चल जा। अरे इधर आ, स्कूल जा। क्यों बेटे, तुम लोग यहाँ नए आए हो? जी हाँ। तो सामान वगैरह कहाँ है? जी अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब खरीद लेंगे। सामान के रखना यहाँ बहुत बड़े बड़े चूहे हैं, जैसे कि ऊंट बिलाओ। अरे तो बेटा स्कूल नहीं गया, जा स्कूल, सीधे स्कूल जाना। हाँ तो बेटे, तुम्हारे और कोई नहीं है? माँ बाप? जी हमारा कोई भी नहीं। अरे राम राम राम। अच्छा देखो बेटे, मैं सामने वाले मकान में रहती हूँ, मुझे यहाँ सब लोग मौसी कहते हैं, किसी बात की जरूरत हो, कोई काम हो तो मुझसे कहना, संकोच नहीं करना बेटे। जी नहीं। हाँ चल दो घर जा। आओ मोहन। मैं डरा सकता हूं सर। कम इन। ठहरो ठहरो, आओ। बैठो, क्या बात है? तुम्हें तो कभी स्कूल में? सर मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। तुम किस क्लास में भर्ती होना चाहते हो? दसवीं में। दसवीं में? लेकिन अब तो काफी पढ़ाई हो चुकी है, मेकअप कैसे करोगे? मैं कुछ ही दिन में मेकअप कर लूंगा सर, दिन रात पढ़ूंगा। मुश्किल है, इस टर्म से किसी को भर्ती नहीं किया जाता। मेरे लिए कुछ कीजिए सर, मैंने बड़ी मुश्किल से भर्ती होने के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, किसी भी तरह नहीं हो सकता सर। मैं बड़ी आशा लेकर आया था, सुनो टेस्ट दे सकते हो? जी हाँ। मगर रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, वरना नहीं। मुझे मंजूर है सर। इस लड़के को शर्मा जी के पास ले जाओ। आने से रोकेंगे,
आगे तो पीछे से धक्का देंगे। अच्छे दरबान बिठाए रखे हैं, इन्हें यहाँ से विदा करो हेड, वरना घुटनों के बल चलकर तुम्हारे पास आना पड़ेगा। अच्छा ही तो है, फिर से बचपन वापस आ जाएगा। ये देखो उस लड़के का रिजल्ट, अंग्रेजी में 98 और मैथमेटिक्स में पूरे 100 और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 98। 300 में 294 मार्क देने पड़े, अजी ढूंढने से भी गलती नहीं मिली। वाह बहुत अच्छा है। अच्छा है अजी, हीरा है हीरा। तभी तो आप जैसे पारखी के पास आया है। कहाँ है वो? आ रहा है। पांडे जी को बुलाओ और कहो एडमिशन फॉर्म ले आए। जी सर। तुम अंदर आ जाओ। आओ। टेस्ट तो तुमने बहुत अच्छा दिया, तुम्हें भर्ती कर लिया जाएगा। बड़ी कृपा है आपकी। तुम्हारा नाम क्या है? जी रामनाथ गुप्ता। गार्जियन कौन है तुम्हारा? मेरा तो कोई भी नहीं सर। तब तो मुश्किल है, गार्जियन के दस्तखत बिना किसी को भर्ती नहीं किया जा सकता। लेकिन सर नियम ही ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी लेने वाला कोई तो होना चाहिए, वरना मैं भर्ती नहीं कर सकता। मैं लेता हूं इसकी जिम्मेदारी। लाइए फॉर्म। एक जरा से नियम के लिए इसकी पढ़ाई रुक जाएगी क्या? हा? मैं आज से इसका गार्जियन हूं। गार्जियन में और गुर्जन में फर्क क्या होता है? ये लीजिए, इसे भर्ती कर दीजिए। आओ बेटे। सर जाओ बेटे, जाओ जाओ। जी हुजूर। बंद करो। अच्छा हुजूर। ए बंद करो, बंद करो ये बाजा, यहाँ शोर मचाना मना है। घर में मरीज है। मरीज कौन? राजकुमारी। राजकुमारी कौन? मंजू बिटिया की तबीयत खराब है, उसी को हम लोग राजकुमारी कहते हैं। क्या हो गया उसे? ये तो पता नहीं, उस दिन तुम लोगों के जाने के बाद से ही उसकी तबीयत और खराब हो गई है। जा जाओ यहाँ से, साहब देखेंगे तो बहुत बिगड़ेंगे। अच्छा जाते हैं, तुम खाली एक खबर दे देना राजकुमारी को, खेना रामू स्कूल में भर्ती हो गया। अच्छा अच्छा कह दूंगा। जाओ जाओ यहाँ से, चलो जाओ भागो भागो। अरे जाओ। क्यों भगा दिया उन्हें? तो क्या करता, उन रास्ते के भिखारियों को सर पर बिठा लेता। उस दिन 5 रुपए दिए थे ना, इसीलिए आज फिर आ पहुंचे। वो तुम्हारे 5 रुपए के लिए नहीं आते हैं, वो मुझसे मिलने आते हैं। नहीं उनसे नहीं मिलना है, मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसला कर ठगते हैं। वो लोग ऐसे नहीं है, तुम उन्हें नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। क्यों भगा दिया उन्हें, क्यों भगा दिया? रो मत मंजू, चले जाओ यहाँ से। मंजू मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मंजू क्या हुआ? मंजू यहाँ क्यों बैठे हो? चलो तो। अच्छा बताओ तो बात क्या है, बोलो। नहीं बोलूंगी, मेरा स्कूल जाना बंद, मैं बाजा नहीं सुन सकती, किसी से मिल नहीं सकती। जिन्हें मैं चाहती हूँ उन्हें भगा देते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उन्हें भिखारी बदमाश कहते हैं। क्यों, किस लिए? जब ये सब बंद कर दिया है तो मेरा खाना बोलना सोना ये भी बंद, मैं किसी से नहीं बोलूंगी। मुझसे भी नहीं बोलोगी? मना तो तुम्हारे भैया ने किया है, मेरा क्या कसूर है जो मुझसे बात नहीं करोगी? बोलो। अच्छा बात ना करो ना सही,
जरा मेरी तरफ देखो तो। मैं पढ़ने आया हूँ। बेटकी को भी जुखाम हुआ है पर बूंजे की बेटी केसर का तिलक भिखारी पढ़ने आया है। भाई अपने किताब संभाल के आगे 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 बढ़। वो मेरी सीट है आगे पीछे। One, two, three.
किताबें खोलो, पृष्ठ 80 देखो, बिहारी दोहावली। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय। इस दोहे में कनक शब्द दो बार आया है, पर इन दोनों के अर्थ अलग अलग है। बताओ इन दोनों के क्या अर्थ है, तुम बताओ। बैठ जाओ नरेश, तुम बताओ। बैठ जाओ चंदो। भूल गया सर। भूल गया। बैठ। क्या इसका कोई नहीं बता सकता? बताओ। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का सोना। ठीक है, अब पूरे दोहे का अर्थ बताओ। कभी कहता है कि धतूरे से ज्यादा नशीला सोना होता है। धतूरा तो आदमी को तब पागल बनाता है जब उसे खा लिया जाता है, किंतु सोने को केवल पाने से ही आदमी पागल हो जाता है। शाबाश, तुम वहां क्यों बैठे हो? आगे आओ। क्या बात है, तुम उठ क्यों गए? बदबू सर, उसके कपड़ों से बदबू आ रही है। नाक फटी जा रही है सर। ना जाने कहां से भिखारी आ रही। चुप रहो, ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या आदमी की पहचान कपड़े लते से ही होती है? कितने दिन लिख पढ़ करके यही सीखा है तुमने? आज इसे भिखारी कहकर नफरत से अपने बात से मिटाना चाहते, एक दिन उसी के बाद बैठकर तुम अपने को भाग्यवान समझोगे। क्या तुम में से कोई भी अपने इस सहपाठी की ओर दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकता? कोई नहीं बैठेगा इसके पास? क्या मैं समझ लूं कि मनुष्य कहलाने की योग्यता तुम में से किसी में नहीं? हाँ, अगला दोहा देखो। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। क्या हुआ? पीछे से लात मारी सर। किसने? कौन है तुम्हारे पीछे? ये चंदू। मैंने कुछ नहीं किया सर। बेंच पर खड़ा हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। बेंच पर खड़ा हो जाओ। बिहारी ने अपने इन दोहों में अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। आज मैं तुम्हें इन अलंकारों के बारे में समझाता हूं। कल ये काम करके जाना है। चंदू तुम बैठ जाओ। बैठ जाओ। ये बेकसूर है। बेकसूर है?
मारपीट तो चंदू ने शुरू की थी, इसे गालियां दी, धक्के मार के गिरा दिया, सबने मिलकर मारा, बैसाखी छीन रहे थे, इसी छीना चपटी में नरेश के लग गई। पहले क्यों नहीं बताया? चंदू के डर से सर, लेकिन इस बेकसूर को इस तरह मार खाते देखकर मुझसे रहा नहीं गया। रामनाथ तुमने क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताता सर, कसूर तो मेरा है, मैं लंगड़ा हूँ ये मेरा कसूर है, मैं गरीब हूँ ये मेरा कसूर है, मेरे पास जिस जूते नहीं कपड़े नहीं है ये भी मेरा कसूर है। कभी तो आपने भी उनके पास उनका विश्वास कर लिया सर। रामनाथ तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हो गया, मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है। चंदू बंद करो। देखा, देख सुनकर कुछ सीखो इससे। अच्छा खाने पहनने से कोई बड़ा नहीं बनता है, बड़ा बनने के लिए अच्छे गुण होने चाहिए। तुम्हारी छोटी शिकायत पर जिसे मैंने इतना मारा वही तुम्हारे लिए माफी मांग रहा है। याद रहे सिर्फ इसके कहने से आज मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं। बाय। ठीक है धीरे धीरे झाड़ गर्दा ना उड़ा। आ गए बेटा। रामू हाँ हाँ ये क्या हुआ? क्या हुआ मौसी? अरे बेटा इसकी तो आंखें बंद हो गई हैं, मुंह सारा काला हो गया, सूज गया है। लगता है किसी ने बहुत मारा है। मारा है? रामू तुझे किसने मारा है? बोलना, बोल भाई किसने मारा है तुझे? मैं गिर गया था। गिर गया था? गिर गया था? रामू बहुत मार लगी है क्या? बड़ी तकलीफ हो रही है ना, इसीलिए तुम मुझसे रास्ते में बात नहीं कर रहा था। रामू मैं देख नहीं पाता तो क्या तुम मुझे कुछ बताएगा भी नहीं? हाँ हाँ ये तो पीठ में भी लगी हुई है। हाँ। चल बेटा चल चल लेट चल लेट चल लेट चल रामू चल बेटा ले। ओहो रामू भैया क्या सो रहे हो? शांत उठो। मोहन कहाँ है? वो तो नंदू को लेकर बाजार गए। बाजार क्यों? तुम्हारी दवा लाने। अरे दवा की क्या जरूरत थी, वो तो मैं स्कूल से लगवा कर आया था। तुम्हें से किसी ने मना नहीं किया उसे? माँ ने तो मना किया था लेकिन वो कहने लगे कि रामू को बहुत लगी है, दवा लाना जरूरी है। अच्छा रामू भैया। हाँ मोहन भैया तुम्हें बहुत चाहते हैं ना? हाँ बहुत चाहते हैं। अच्छा लो लो। देगा। ओ पड़ाकू महाराज इधर क्या है मास्टर? चलो चलो ये पढ़ाई इधर नहीं चलेगी, फूटो। क्यों? हम लोग इधर 52 पत्ते की किताब पढ़ेंगे। चलो फूटो इधर से। चलो चलो देवदास बीड़ी बीड़ी है क्या? मैं बीड़ी नहीं पीता। बीड़ी नहीं पीता, दूध पीता बच्चा है। मेरे लाल मेरे शागिर्द बन जाओ, सब सिखा दूंगा। मुझे नहीं सीखना। नहीं सीखना तो चलो फूटो इधर से। फूटो उठाओ उठाओ जो गाड़ी अपनी लो। देखता क्या है ये गाड़ी लो आगे बढ़ा। चल 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 फूट 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 चल चल। अरे जा जा किताब ये किताब ले। देखता है मास्टर ये मेरी जगह रखी जगह। अरे तो ले ले रखी जगह। चल ले अपना बादशाह एक रुपये अंदर। ये 2 रुपये दूंगी। चल अंदर चल ले बादशाह एक रुपये। बैठ बैठ जल्दी बैठ। काट दो और काटा है क्या? अरे चल सीखे यहाँ रामनाथ कहाँ रहता है? मालूम नहीं। मालूम नहीं। माल निकालो। अरे पक्का माल।
सुनो बच्चों, यहाँ रामनाथ कहाँ रहता है? रामनाथ कौन? अपने को मालूम नहीं भैया। अरे भाई वो लंगड़ा लड़का है। अरे मैं तुम्हें देखने चला आया बेटा। छुट्टी के बाद हेडमास्टर साहब से सारी बात मालूम है। आज मुझे विश्वास हो गया तुम जरूर उन्नति करोगे। कहा है ना, जहाँ क्षमा तहाँ आप, भगवान तुम्हारे साथ है। तुम जरूर बड़े बनोगे बेटा, जरूर बड़े बनोगे। आइए ना सर, आइए, मैं आपको गाँव बिछा सर, यहाँ बैठिए। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, बैठिए ना सर। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अभी तो हमारे पास बिछाने को भी कुछ नहीं है सर, बस किसी तरह ये घर ले लिया। कोई बात नहीं, बैठो, तुम ही बैठो। मैं ठीक हूँ सर। अबे तो ये घर ले लिया तुमने? और क्या कहना, लाने का पैसा ला दे। मेरा माल मुझे क्या माल, तुझे देखा ना? ये भी जानते हैं यार, मेरा मंगल देता है। हम देख क्या लगाया तो तुमने देखा क्यों नहीं? माल लाएगा बेटा, मैं तुमने क्या खुले झगड़ा शोरगुल तो यहाँ हमेशा होता होगा जी। नहीं नहीं, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे वातावरण में कोई भला क्या पढ़ लिख सकता है? रामनाथ, तुम ये जगह छोड़ दो, कहीं अच्छी जगह ढूंढो अपने रहने के लिए। और कहाँ जाए सर, बड़ी मुश्किल से तो ये घर मिला है। और फिर सर, बस्तियां तो सभी एक जैसी होती है, हर जगह यही सब कुछ होगा। हाँ ये भी ठीक है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? मेरे घर चलो, वहाँ काफी जगह है, तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी, वहाँ शांति से मन लगाकर पढ़ लिख सकोगे। ये कैसे हो सकता है सर? क्यों, क्या हाल है? मैं अकेला नहीं हूँ सर, मेरे साथ मेरा वो अंधा दोस्त भी तो है मोहन, उसे छोड़कर मैं नहीं जा सकता। पर यहाँ रहकर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, असंभव। तुम एक होनहार लड़के हो, जिंदगी में तुम्हें बहुत कुछ करना है। अगर इन बाधाओं के कारण तुम सफल न हो सके तो बड़े दुख की बात होगी रामनाथ। मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। मैं जानता हूं सर, पर आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं मोहन को छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं जा सकते? अच्छा, पर मेरी बात को सोचना, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा खुले हैं, जब जी चाहे चले आना। अच्छा मैं जाता हूं। प्रणाम। जीते रहो, जीते रहो। नमस्ते सर। जीते रहो। कौन था? राम भैया के क्लास टीचर शर्मा। शर्मा जी। रामू आ गए तू? अच्छा दवा लाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? वाह, दवा नहीं लगाएगा तो तुझे आराम कैसे मिलेगा? दवा तो तुझे लगाना ही चाहिए। नंदू आया, चलो। रामू, तेरे मास्टर जी आए थे ना? हाँ। तुझे देखने आए थे, लगता है वो भी तुझे बहुत चाहते हैं। मोहन। हाँ। मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। हाँ हाँ, मगर क्यों आज अचानक ये सब? कुछ नहीं, आप बैठ बैठ। देख, ये दवा तो मैं लेकर आया, लेकिन अफसोस मैं हाथों से ये लगा नहीं सकता। आज मेरी आंखें होती तो मैं अपने हाथों से अच्छी तरह से लगा देता। तो सिर्फ हाथ फिरा दे, सब ठीक।
पर। क्यों पिताजी? बहुत देर हो गई बेटे, अब तो ऑपरेशन ही एक इलाज है, वो भी बहुत मुश्किल है। इस तरह के एक दो ऑपरेशन हुए हैं जरूर, परंतु विदेशों में, यानी अपने यहाँ तो अब तक। अच्छा अंकल, अच्छा गोपाल कल मिलेंगे। अच्छा भैया। आओ मोहन। मैं जानता हूं रामू, मेरी आंखें कभी ठीक नहीं होंगी। क्यों ठीक नहीं होंगी? मैं बड़ा होकर तुझे विदेश ले जाऊंगा, वहां से ऑपरेशन करा के लाऊंगा तेरी आंखों का। करा लाना, तेरी मर्जी, मगर अब मुझे कोई जरूरत नहीं आंखों की। क्यों? तेरी दोस्ती ही तो मेरी आंखों की रोशनी है, मैं तेरी ही आंखों से सब कुछ देखती हूं। चल। बच्चों को चुगली खाने का वो मजा चखाऊंगा कि जन्म भर याद रहे। लंगड़े की हिमायती को तो लंगड़ा बल कर ही छोड़ूंगा। लेकिन वो लोग तब तक निकले नहीं। निकलेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? तुम लोग एकदम तैयार रहो, जैसे ही दोनों आए पकड़ कर दिस तेरी की। ये तो बेकार लोगों के पीछे पड़ता है। हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। चंदू सबसे झगड़ा करेगा और सबको उसका साथ देना होगा, ये भी कोई बात हुई? चलो हम लोग चले। किधर भागे जा रहे हो? भागेंगे क्यों, किसी का डर है क्या? फिर बिना वजह किसी बेकसूर को मार के हमें बहादुरी दिखानी है। ओ चुड़िया मेरे जाके चुड़िया डरपोक कहीं के। चंदो क्या है? हवादार चौबे उल्लू के दुम पकते साले डरपोक कहीं के। गाई देता है? हाँ गाई देता है। हाँ बना बना लंगड़ा। आ गया दोनों, बना। बस बस बहुत हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। यार कौन खेलता है? ले पार्टनर, ये पड़ाकू महाराज तो पहले से ही आसन जमा के बैठ गया। देखो ए भैया, तेरे को बोला था ना कि ये हमारी परमानेंट जगह है, चल फुट 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 फुट। मुझे पढ़ना है। अरे तो मेरे लाल घर में जाके पढ़ो, इधर क्या है? चलो 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 उठो यार, उठो गाड़ी में। पढ़ना पढ़ना पढ़ना, इसको कोई दूसरा काम भी है कि नहीं? एक काम और है। क्या? भीख मांगता है और बाजा बजाता है। वो कैसे? एक पैसा दे दे ओ बाबू, ओ बाबू एक पैसा दे दे। अरे वाह, वो यहाँ बैठ के पढ़ेगा तो हम लोग ताश कहाँ खेलेंगे? क्यों, और कोई जगह नहीं है खेलने के लिए मरने की तुझको? अरे वाह, ये हमारी परमानेंट जगह है। बाप की जगह है? देखो मासी, बाप का नाम नहीं लेना हमने बोल दिया। क्या कर लेगा मेरा? क्या कर लूंगा? बस हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? क्या पता बटो यार, बुढ़ी बच्ची। झेल कर ही तुझे आगे बढ़ना है मोहन।
रामू। अरे लालटेन, माँ, माँ। मोहन, तू लालटेन ले आया? हाँ, रतिया कहती थी कुप्पी के रोशनी में तुझसे पढ़ा नहीं जाता। कहाँ है? देखो देखो मोहन भैया लालटेन आए, 4.5 रुपए की है। घर भर में कैसा उजाला भरा है। मेरा ये उजियारा नूतन, मेरा ये उजियारा फूट पड़ा है सहज थार से तोड़ अंधेरी कारा, नहा गया आलोक से सेठ बीएल रुइया स्वर्ण पदक। मोहन रामू तू आ गया? हाँ मैं फर्स्ट आया हूँ मोहन, तीनों सेक्शन में फर्स्ट। ये देख देख तो मुझे कितने इनाम मिले हैं देख। अरे अरे ये क्या क्या पहना रहा है मुझे मेडल, ये तो तुझे ही मिलना चाहिए था। सच कहते हैं बेटा, बिल्कुल सच कहते हो। रामू मौसी के पाँव छुए तूने? मौसी जीते रहो बेटा, खुश रहो, पढ़ लिख कर खूब बड़े हो जाओ। मैं तो जाती, यहाँ तो कोई मिठाई खिलाने का नाम ही नहीं लेता। अरे अरे मुझे याद है, मैं तुझे सचमुच मिठाई खिलाऊंगा। सचमुच बड़ी खुशी का दिन है रामू, चलेगा राजकुमारी की। तू बस आया है जी जानकर वो बहुत खुश हुई। चल जाओ बेटा जल्दी आना, आज मैं तुम दोनों को खाने के लिए खूब मीठी मीठी चीज बनाऊंगी। देखा बुद्धू, ऐसे तू भी मन लगा के पढ़ा कर, तुझे भी मॉडल मिलेगा, समझा? तो आपकी क्या राय है सर? क्या राय दो रविकांत, इलाज करना तो इंसान के हाथ में है, वो तो तुम ठीक ही कर रहे हो, बाकी भगवान का हाथ। देखो। थैंक यू सर। थैंक यू। तुम लोग, राजकुमारी की तबीयत बहुत खराब है क्या? बहुत खराब है, बेहोश है। बेहोश है? हम लोग उसे देख सकते हैं सिर्फ एक बार? नहीं भाई नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, साहब ने देख लिया मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, हो सके तो राजकुमारी से ये कह देना कि रामू पास हो गया। हाँ ये कह दूंगा। अरे ट्रॉफी आ गई। राजकुमारी को अच्छा कर दो भैया, उसे अच्छा कर दो, तुम तो बड़े दयालु हो, दया करो उस बेचारी पर, उसे अच्छा कर दो भगवान, राजकुमारी को अच्छा कर दो भगवान, राजकुमारी को अच्छा कर दो भगवान। आओ आओ रामनाथ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जी? तुम्हारे रिजल्ट से खुश होकर स्कूल कमेटी ने फैसला किया है इस साल तुम्हारी फीस माफ कर दी जाएगी। लेकिन सर। कहो क्या बात है? सर मुझे माफ कीजिएगा, एक दिन बड़ी जरूरत थी मुझे इस मदद की, पर आज। यानी अब तुम कोई मदद लेना नहीं चाहते? सर मैं चाहता हूं कि आप मेरे बजाय किसी और जरूरतमंद लड़के की फीस माफ कर दी। रामनाथ तुम्हारी ये उदारता तारीफ के काबिल है, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ माय बॉय।
वाह वाह, क्या लड़का है। यस। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। अधिकारी कहता है इसकी बहन का नाम मीना है, अस्पताल में नर्स है, पहचान लो अपने भाई को। दीदी दीदी तुम जरूर मेरी दीदी हो, मैं तुम्हारी आवाज सुनते ही पहचान गया। बोलो ना दीदी, मैं तुम्हारा मोहन हूँ। मोहन जैसे मनमोहन बन के आए। दीदी 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 जानती हूँ मीना, उन दोनों में से एक ये भी है जो उस दिन मंजू पर ठगने आए।
अच्छा मैंने 60 रुपए नहीं दिए, क्या हुआ तेरी खराब है क्या? मोहन किसे पुकारा है? दीदी को। कहाँ है दीदी? वो क्या चली गई। कहाँ? अरे वो देखो जो गाड़ी में जा रही है ना, उसी को अपनी दीदी कहता है। वो तो कोई नर्स है, राजकुमार के भैया के साथ जा रही है। वो ही मेरी दीदी है। नहीं रे, तेरी दीदी होती तो क्या तुझे पहचान नहीं लेती? आओ चल। मुझे यही उतार दीजिए। यहाँ क्यों? मुझे अस्पताल वापस जाना है। पर तुम तो अपना काम खत्म कराई हो, अब किस लिए जाओगी? मुझे जाना ही होगा। बताओ ना क्या बात है, मैं भी तो सुनूं। मैं हिम्मत न कर सकी, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। आपके दिल में मेरे लिए जो इज्जत है वो धूल में मिल जाएगी। इन घायलों ने मुझे कमजोर कर दिया, मैं बोल न सकी। मैं बोल न सकी कि वो सचमुच मेरा भाई है। हीना, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? फिक्र मत करो मीरा, मैं उसे तलाश कर लाऊंगा। हो सकता है कभी मंजू से ही मिलने आ जाए। वो तुम्हें जरूर मिलेगा मीरा। आओ। रामू आया है, बाजा बजा रहा है। मंजू देखो ना कितनी देर से आए हैं। बोलो मैं जाऊंगी। यहाँ कोई नहीं आया मंजू, कोई नहीं आया। भैया ने भगा दिया ना उन्हें। राम मोहन कितने अच्छे हैं वो लोग, वो दोनों मेरे दोस्त हैं। राम मोहन मोहन मत जा, मत जा राजकुमारी, मत जा मोहन, मत जा, मत जा राजकुमारी, मत जा, मत जा राजकुमारी। मोहन क्या हुआ? नहीं देख, राजकुमारी आई है। कहाँ? ए मोहन। हाँ रामू, राजकुमारी आई थी। लगा बिल्कुल यही खड़ी है, कहने लगी तुम लोगों से मिलने आई है। फिर बोली जाती हूँ। लेकिन वो इस घर में कैसे आएगी? रामू भाई चलेगा राजकुमारी के यहाँ, हाल पूछ कर आए। चलो
का यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर न जाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। मोहन। कौन? मैं मंजू का भाई हूँ। शायद तुम नहीं जानते होगे कि मंजू अब नहीं है। जानता हूं। वो तुम लोगों की बराबर याद करती रही। तुम मेरे साथ एक बार घर चलो, मंजू कुछ अपनी यादगार छोड़ गई तुम्हारे लिए, उसे ले आओ। अभी कितने बजे? अभी तो 4 बजने वाले। 5 बजे रामू स्कूल से आएगा, उसे आ जाने दीजिए, फिर हम लोग। 5 बजने में बहुत देर है, उसके आने से पहले मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। लेकिन उसे तो... चलो। कर चुके हैं क्या? दो सवाल बता दे। ए, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। सर? यस। ए, बैठना बैठना, रिवाइज कर ले। ये लीजिए। तुम सवाल कर चुके? जी। शाबाश। भैया जी। आए? मोहन कहाँ गया? एक जने आए रहा है, कहा ला हम मंजू के भाई है, तो बड़ी सी गाड़ी में बैठा के लेके गए। ये बाजा मंजू को बहुत प्यारा था, ये तुम्हें दे गई है। अच्छा तो अब मैं चलूं? बैठो थोड़ी देर, कुछ नाश्ता कर लो। ये लो मिठाई खाओ। नहीं नहीं, मुझे देर हो जाएगी, रामू वहां आएगा तो परेशान हो जाएगा। अभी तो 5 बजने में बहुत देर है, और फिर ना होगा तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ आऊंगा। ये लो मिठाई खाओ। मोहन, एक बात कहूं तुमसे, मानोगे? कहिए। तुम अब इस तरह सड़कों पर भीख ना मांगा करो। क्यों? तुम नहीं जानते उस दिन तुम्हें भीख मांगते देखकर कितनी तकलीफ हुई थी तुम्हारी दीदी को। मेरी दीदी? कौन सी दीदी? उस रोज रास्ते पर तुमने जिसको दीदी कह के पुकारा था, वो तुम्हारी दीदी मीना ही। क्या कह रहे आप? हाँ मोहन, बाद में वो कितना रोई थी, उस वक्त उस हालत में तुम्हें भीख मांगते हुए देखकर मारे शर्म के अपने आप को जाहिर ना कर सकी। मारे शर्म के? मुझे भीख मांगते देख के शर्म आई, लेकिन मैं भिखारी बना तो किसके लिए? दर बदर की ठोकरे खाता पीता रहा हूँ किसके लिए, किसकी तलाश में? क्या ये बात वो नहीं जानती? क्या ये बात वो नहीं जानती? मुझे माफ कर दे भाई। भाई? नहीं नहीं, मुझे भाई मत कहो, मैं तो भिखारी हूँ, तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मोहन, कितनी बड़ी सजा देगा अपनी दीदी को। दीदी? दीदी? ये दीदी उस वक्त कहाँ थी जब मैं बिलक बिलक कर पुकार रहा था, दीदी दीदी? लोग मेरी हंसी उड़ा रहे थे, मुझे पागल समझ रहे थे, मुझे झूठा कह रहे थे। मुझे माफ कर दे भैया, भूल जाओ उस दिन की बात को। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? यही तो दुख है कि मैं भूल क्यों नहीं पाता, वरना मुझे भूल जाना चाहता कि मेरी कोई दीदी भी है। मुझे भूल जाना चाहता उस आवाज को, जिसे सुनने के लिए मेरे कान तहस तहस के रह जाते थे। भूल जाना चाहता उस विश्वास को कि दीदी देखते ही मुझे अपने गले लगाएगी। मेरी भी तो सुन मोहन। मोहन, मोहन, क्या तू सच में मुझे माफ नहीं करेगा? रामू सुना तूने? मैं भीख मांगता हूँ इसलिए मेरी दीदी मुझे अपना न सकी, भाई को भारी देकर गले न लगा सकी। मोहन, मेरे भाई। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो,
मैं किसी का पाई नहीं हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। मैं तो हूँ तेरा। मोहन, मेरे भाई, मुझे एक बार दीदी कह कर पुकार, मोहन एक बार। अरे हवलदार साहब, ऐसे डंडे से हूलोगे तो निकलूंगा कैसे? निकाल। अच्छा डंडा जरा उधर करो। निकाल निकाल। आ, यही था जमादार, पूछे से तुम कौन कौन थे? कौन कौन था? तुम चार आदमी थे, मेरा गल्ला लेकर भागे चोर कहीं के, तो तुम्हें शर्म नहीं आई? पूछो ऐसे, पूछो। सिटी वाला कौन कौन था? मुझे क्या मालूम कौन कौन था। और कौन था? ये सब कुछ जानता है, मारा डंडे से भी बनेगा। मारो। ये था? ये तो अंधा है, ये क्या चोरी करेगा? ये था। झूठ, मैं क्यों चोरी करने लगा? तूने जरूर चोरी की है। अरे क्या बकवास करते हो, ये शक्ल जो देखी है वो फिर तू खटिया नीचे छुपा के क्यों मना किया कि घर में कोई नहीं है? बोले पकड़े जा। नहीं नहीं, रामू ने चोरी नहीं की, वो कुछ नहीं जानता। कुछ तो नहीं फिकर मत कर मोहन, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो डरूं क्यों? हा? मौसी, हाँ बेटा, जरा मेरे स्कूल के शर्मा जी तक खबर पहुंचा दे। अच्छा, नंदू उनका घर जानता है। अबे चल चल, चुप रहो बुड्ढे कोसन, तू घबराने बैठा, मैं अभी नंदू को भेजती हूँ। नहीं नहीं मौसी, वो बेकोस है, वो कुछ नहीं जानता, उसने चोरी नहीं की मौसी। और फेंको पानी। अरे तुम्हें पानी खाल बना मुझे। आ गया तीसरा भी मिल गया, तीसरा भी मिल गया। ले चलो ले चलो चलो, तीसरा मिल गया। चलो बाकी नंदू चलो, और नंदू चलो चलो, नंदू पीछे मत देखने दो। नंदू, अरे कहाँ से वो कर रहा है? यहाँ से। कहाँ? अरे तू यहाँ छुप कर बैठा है, क्या देख रहा है? पुलिस गई। हाँ हाँ गई, तू इतना डरपोक है? पुलिस से नहीं डरना चाहिए। अरे जल्दी से जाकर शर्मा जी को खबर कर दे कि रामू को पुलिस पकड़ ले गई। निकल। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, कहीं मुझे भी पकड़ लिया तो। अरे अच्छा हो जाए, तुझे पकड़ लेगी तो मेरी जान छूट जाएगी। निकल तू जल्दी से, बैठा बैठा बातें बना रहा, चल जल्दी निकल। जा जल्दी। फंस गया फाड़ में, अब कम से कम 6 महीने चक्की पीसो जेल में जाके। बदमाशों क्या इसीलिए पढ़ती है स्कूल में कि चोरी करो ताले तो? मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। बदमाश बंद करो, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर इसने कैसे नाम लिया तुम्हारा? ये झूठ बोलता है सर। नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ, मैंने जीवन में कभी चोरी की नहीं। क्यों पार्टनर? हाँ पार्टनर। पढ़ाई माल को तो हम लोग बिल्कुल कचरा समझते हैं। छी, ये सब झूठ है सर। नहीं साहब, बिल्कुल सच्ची बात है, इसी ने मुझको कहा था। इसी ने कहा था तुम? हाँ साहब। और अगर ये तुमसे कहे कि अपने घर में आग लगा लो तो लगा लोगे? हाँ। नहीं साहब, हवलदार बंद करो इन सबको, ले जाओ। क्यों रामू, क्या बात है? सर आप मुझे छुड़ाइए, इसने झूठ मूठ मेरा नाम लेकर मुझे फंसाया है। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बचाइए। ये उसी बस्ती में रहता है ना? यस। अरे काजल की पोथी में रहोगे तो कालक तो लगेगी। मैं तो जानता था एक न एक दिन ये नौबत आएगी, इसीलिए कहा था वहाँ मत रहो। तुमने बात नहीं मानी, नतीजा देखा, उधर स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं और इधर तुम हवालात में पड़े हो। जी जी जी। तो जैसे भी हो आप मुझे छुड़ाइए। मान लो आज मैंने तुम्हें छुड़ा भी लिया, मगर फायदा? कल किसी और झंझट में फंस जाओगे, परसों और कोई झमेला खड़ा हो जाएगा, ये तो तुम्हारा हमेशा ही चलता रहेगा। नहीं नहीं, आप मुझे छुड़ाइए सर, आप मुझे छुड़ाइए। रामू, मेरी बात माननी पड़ेगी। मानूंगा सर, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा, मगर मुझे इस मुसीबत से छुड़ाइए। अच्छा देखता हूँ मैं। अरे आओ पार्टनर, आओ मुन्ना, आओ। नर्वस मत होना, कह रहे तुम्हारे भेड़ू लोग हैं। अरे हवलदार, भाई के लिए कुछ नींबू शरबत भेज देना है। क्या हो? इंस्पेक्टर साहब, कहीं न कहीं जरूर भूल हो रही है। मास्टर साहब, अभी सब पता चल जाएगा। सिपाही जी,
उन लड़कों को अंदर लेके आओ। ये हमारे स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है, बड़ा होनहार है, मुझे विश्वास है ये ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा। चलो चलो अंदर आओ, अंदर आओ। सिपाही अंदर लाओ। एक ही हाथ में खाल निकल आएगी। ठीक से बताओ, ये लड़का चोरी में शामिल था? हाँ साहब था। शामिल था? हाँ साहब था, था, था। शामिल था? था साहब। हाँ सुन, ये था, मैं था और वो था। मास्टर साहब, आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। और देखो, आइंदा से ऐसे बदमाश लड़कों की परछाई से भी दूर रहना चाहिए। तुम जा सकते हो। चलो रामा। इधर कहाँ जा रहे हो? घर नहीं चलोगे? नहीं, वहां नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। क्यों? वो आज से मेरे घर रहेगा। रामू भैया। चलो रामू। क्यों रे, तू अकेला ही आया? हाँ। क्यों रामू, छूटा नहीं क्या? छोड़ गए। छूट गए तो तेरे साथ क्यों नहीं आए? अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। क्या? क्यों? अरे बोलता क्यों नहीं? शर्मा सर उसे अपने घर ले गए, अब वो वहीं रहेंगे। वहीं रहेंगे? नहीं, तू समझा नहीं होगा। बता तो रामू ने क्या कहा तुझसे? रामू भैया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें बुलाया तो उन्होंने बात तक नहीं की। शर्मा सर कह रहे थे अभी उस बस्ती में कभी नहीं जाएगा, अभी मेरे घर रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं रह सकता, कभी। नंदू चल, तो मुझे शर्मा जी के यहाँ ले चल, मैं उसे साथ ले आऊंगा। चल बेटा, मैं भी चलती हूँ। नहीं मौसी, तुम घर में रहना, मैं उसे लेकर आऊंगा। चल बेटा, तुमने अपनी माँ को जो वचन दिया था उसे याद करो। क्या उनकी आशाएं पूरी नहीं करो? दोस्त के लिए तुम्हारी भावनाएं सही हैं, अच्छी हैं, मगर उनके लिए अपना भविष्य बिगाड़ना कहां तक ठीक है? और फिर जरा ये भी तो सोचो कि जब तुम अपना ही भविष्य नहीं बना सके तो उसके लिए क्या करोगे, जिसका तुम्हें इतना ख्याल है, जिसके बगैर तुम रह नहीं सकते हो। बोलो, कुछ कर सकोगे उसके लिए? बोलो। रामू, 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 देगा, मेरी आवाज सुनकर वो जवाब जरूर देगा। रामू। नहीं नहीं, जवाब मत दो, एक बार बोलोगे तो अपने आप को रोक नहीं सकोगे। रामू, 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 मुझे मुझे उसे एक बार देखने दीजिए सर, मैं सिर्फ एक बार उसे देख लूं सर, सिर्फ एक बार। बोलना मत, बोलना मत। एक बार जवाब तो दे रामू, एक बार बोल। रामू, रामू, वो आ गए। कहाँ? खिड़की पर। रामू, 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 रामू। बोलते क्यों नहीं रामू भैया? तू मुझसे रूठ क्यों गया? क्या कसूर किया है मैंने? तू जवाब क्यों नहीं देता? बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल, एक बार तू जवाब दे रामू। मेरी आवाज सुनकर तू नहीं बोलेगा, मुझे देखकर मेरे पास नहीं आएगा रामू। बोल रामू, रामू,
उसे नहीं बोलेगा रामू। चलो मोहन भैया। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मिटवा तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे।
टेस्ट में तुम फर्स्ट जरूर आए हो रावणा, लेकिन जो नंबर तुम्हें मिले हैं उनसे मैं खुश नहीं हूं। रिकॉर्ड मार्क्स पाने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी और जी लगा के पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेगा पढ़ेगा, मेहनत ये जरूर करेगा। आप तो जानते हैं अहम टेस्ट के समय ये किस मुसीबत में पड़ गया था, अब ये अपनी कमी पूरी करेगा। मैं छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा हूँ, सोचता हूँ इसे भी लेता जाऊँ, वहाँ ये एकांत में पढ़ाई करेगा और मैं भी देखता सुनता रहूँगा। समझ गया, बिना पढ़ाए आपको चैन नहीं मिलेगा। 30 साल में पहली बार छुट्टी ले रहे हैं, उस पर भी इसे साथ ले जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। अजीब स्वभाव कैसे बदलेगा। रामनाथ, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद है। याद रहे, इस साल तुम्हें अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। आपका आशीर्वाद चाहिए सर। शाबाश। हाँ, एक बार तो इसे आना ही पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। आ जाएगा आ जाएगा। मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं खुद ही ले आऊंगा, नहीं तो भेज दूंगा। अच्छा हेड। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी। चलो बेटा चलो। मना करती हूँ बेटा, तबीयत अच्छी नहीं है, जा तुम घर में बैठ। क्या मुझे खाना नहीं खिला सकती? पागल कहीं का। मैं लेटूंगा मौसी। लेट जा बेटा लेट जा। क्या ढूंढ रहा है बेटा? कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि रामू मेरे पास ही सोया हुआ है। मोहन, तू रामू को क्यों नहीं भूल जाता? तू उसे इतना याद करता है, उसने भी तुझे कभी याद किया? अपनी सुविधा देखकर भाग गया, मतल भी कहेगा। नहीं नहीं मौसी, ऐसा मत कहो। रामू बड़ा अभागा है, तभी तो तुम्हारा प्यार खोकर चला गया। मौसी एक बात कहो। कहो बेटा। रामू अगर वापस आए तो तुम उसे माफ कर देना। रामू के मेरे सामने नाम ही मत ले, उसके बाप ही मत कर। मुझे ले चलो भाई। आओ मेरे साथ आओ। मौसी मुझे पानी देना। पानी पीछे पीना, पहले इसे तो खा के दे। क्या है? देख तो सही क्या है। खा खा। कैसा है चूरमा? हाँ। मौसी आज कितने दिन के बाद चूरमा खाऊंगा। अच्छा। गांव में अक्सर खाता था, नई नई बाजरी आती थी ना तो रोज खाता था। अच्छा मौसी है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मुझे चूरमा अच्छा लगता है? बिल्कुल वही स्वाद है। कैसे बनाया तुमने? मैंने कहाँ बनाया, तेरे लिए कोई दे गया है। दे गया? हाँ। कौन? नाम तो नहीं बताया, एक दुबली पतली गोरी सी लड़की थी, तेरे लिए जूते कपड़े मिठाई के डब्बे देकर कहा कि मोहन आए तो उसे दे देना। मैं ये नहीं खाऊंगा मौसी। क्यों? मुझे ये नहीं चाहिए, ये सब फेंक दो, जूते कपड़े मिठाई फेंक दो, ये किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। भिखारी पाई भरी थी, दया करने की क्या जरूरत है? मैं भिखारी हूँ, भिखारी जाओ, मुझे भिखारी रहने दो। मोहन रामू, तू रो रहा है? अरे पगले, शिक्षक कभी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा रहता है, अपने विद्यार्थियों में
और आने वाली पीढ़ी में अमर हो जाता है। अब ज्यादा मत बोलिए सर, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे कोई तकलीफ नहीं, अच्छा हूं। अब समय आ गया है, तू पढ़, मैं सुनता रहूंगा। अब लेट जाइए सर, आप लेट जाइए। मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मेरी चली कहाँ, मेरी चली। सर रामनाथ का खत आया है। क्या है? वो इम्तिहान नहीं देगा। क्या? आदरणीय सर, बड़े दुख और मजबूरी के साथ मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूं। आप तो जानते हैं शर्मा सर की असीम कृपा और स्नेह पाकर मैं उनको अपने पिता के समान मानने लगा था। एक वे ही थे जिनकी मदद मैं ले सकता था, पर आज उनका भी साया मुझ पर से उठ गया और मेरे पास इम्तिहान की फीस भरने के लिए रुपए नहीं है, इसलिए इस बार मैं इम्तिहान में न बैठ सकूंगा। मुझे क्षमा कर दें, आपका भागा छात्र रामनाथ। सर रामनाथ को किसी तरह इम्तिहान में नहीं बैठाया जा सकता। किस तरह बैठाया जा सकता है पांडे जी, किस तरह बैठाया जा सकता है? जब वो किसी की मदद लेने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं? मैं उसे जानता हूं, याद है वो फीस वाली बात, वो नहीं मानेगा। आज दुनिया में मुझसे लाचार और कौन होगा? शर्मा जी जैसे सुयोग्य साथी को खोया, एक आशा थी ये लड़का इस बार स्कूल का नाम रोशन करेगा, वो भी पूरी ना हो सकी। ले बेटा पानी पी ले। माँ माँ, अरे तू स्कूल से भाग कर आ गई? भाग क्यों होगा, छुट्टी हो गई। इतनी जल्दी छुट्टी हो गई? शर्मा जी मर गए ना इसलिए। कौन शर्मा जी मर गए? रामू वाले शर्मा जी? हाँ, वही बेटा मर गया। तो रामू, रामू भैया के बारे में एक बात सुनी। क्या? इस बार वो इम्तिहान में नहीं बैठेंगे। क्यों? उनके पास इम्तिहान की फीस के लिए रुपए नहीं, इसलिए। इम्तिहान के फीस के लिए रुपए नहीं, इसलिए रामू इम्तिहान नहीं देगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रामू को इम्तिहान देना ही होगा। मोहन सुन तो, कहाँ जा रहा है बेटा? मौसी मुझे कुछ करना ही होगा, मेरा रामू फीस बिना इम्तिहान नहीं देगा और मैं घर में बैठा रहूंगा, ये नहीं हो सकता। घर बेटा, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं। नहीं मौसी मुझे जाने दो, मुझे कुछ करना ही होगा मौसी, रामू को इम्तिहान देना ही होगा, रामू को इम्तिहान देना ही होगा मौसी। तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। के तू कहीं भी, के तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है, मेरा तो
मैं इसका दोस्त हूँ। मगर वो तो किसी की मदद नहीं लेगा। आपको ये लेना ही होगा। रामू को इम्तिहान देना ही होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप ही लीजिए ना। मैं ये नहीं ले सकता। ऐसा न कहिए। बड़ी मुसीबत से दिन रात एक करके मैंने ये रुपए जमा किए। ले लीजिए। मगर उसको ये मत बताइए कि रुपये मैंने दिए। ये तो और भी मुश्किल है। मैं ये नहीं लूंगा। मुझे निराश न कीजिए, लीजिए ना, लीजिए। अच्छी बात है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, चाहे मुझे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। रामनाथ को इम्तिहान जरूर दिलाऊंगा, जरूर दिलाऊंगा। लो, यहां दस्तखत दो। लेकिन सर, देखो, शर्मा जी ने अपने दोस्त के हाथ तुम्हारी फीस भेजी थी। उन सज्जन ने आने में देर कर दी, वो कल आए थे। अब समय बिल्कुल नहीं, कल फार्म भेजना है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। लो, दस्तखत। मगर उन्होंने मुझे तो कुछ पता नहीं था। भाई अब ये तो सब मैं कुछ जानता नहीं। अगर तुम दस्तखत करना नहीं चाहते तो मत करो। लेकिन एक बात है रामनाथ, शर्मा जी तुम्हें अपने बेटे की तरह चाहते थे। बीमारी में भी वो तुम्हारी फीस भेजना नहीं भूले। अब अगर तुम उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहते
तो मैं क्या कर सकता हूं, वापस चला जाऊंगा। घबराइए नहीं, अच्छा हो जाएगा। मैं यहाँ रह सकती हूँ? माफ कीजिएगा, जनरल वार्ड में तो रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती, और फिर हम लोग तो हैं यहाँ देखभाल करने के लिए। आप घबराए नहीं, घर जाएं और आराम करें, कल आ जाइएगा मुलाकात वक्त। कितने बजे आऊंगी? 4 से लेकर 6 बजे तक। देखिए आपका ही भरोसा है। फिक्र मत करिए। नमस्ते। धीरज रखो, धीरज रखो, मोहन की तबीयत ठीक हो जाएगी, उसकी अच्छी तरह देखभाल करो, उसे अच्छा करो, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है मीना। हेलो मीना, तुम क्या बात है? डॉक्टर साहब। यस। मैं आपके वार्ड में नंबर 12 का अटेंड करना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। इजाजत तो तुम्हें मिली जाएगी। नंबर 12 वो अंधा भिखारी? वो भिखारी नहीं डॉक्टर, वो मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? जी। आई एम सो सॉरी मिस मीना। अच्छा है अगर तुम उसके पास रहो, ही नीड्स योर केयर वेरी मच। लेकिन डॉक्टर साहब। यस। उसे पता न लगने पाए कि मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। लेकिन क्यों? मैं सब आपको बाद में बताऊंगी डॉक्टर साहब, बाद में बताऊंगी। अच्छा अच्छा, बैठो, मैं भी आता हूँ। बैठो बैठो। तो आ गया रामू, मैं जानता था तो आएगा। मौसी मौसी, रामू बाहर खड़ा है। आजा रामू, आजा आजा रामू, आजा रामू। मौसी पानी पानी, मौसी पानी पानी। क्या चाहिए तुम्हें? ये बिस्तर किसका है, इतना नरम? आप कौन है? मैं डॉक्टर। डॉक्टर? हाँ, तुम अस्पताल में? अस्पताल? घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम जल्द ही अच्छे हो जाओगे। क्या बात है, बहुत तकलीफ हो रही है? हाँ, क्या सीने में। कौन कौन है? ये सिस्टर है। सिस्टर? हो नर्स, रामू ने बताया था।
सिस्टर, तुम मेरी दीदी को जानती हो? वो भी नर्स है, उसका नाम है मीना। पहचानती हो उसको? पहचानती हो? नो नो, तुम शायद खाली अंग्रेजी में ही बात करती हो। यस सिस्टर, जानती हो तुम सहला रही हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हाथ मेरे दीदी का है। बचपन में मैं जब कभी बीमार पड़ता था तो वो भी इसी तरह सहला करती थी, रात रात पर जागती रहती थी, मेरे सिरहाने बैठी रहती थी। लेकिन अब वो मुझे पहचानना भी नहीं चाहती। मैं भीख मांगता हूँ इसलिए सिस्टर, अगर वो यहाँ आए तो तुम उसे मेरे पास मत आने देना। तुम रो रही हो? सिस्टर, 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 वो दूसरे मरीज को देखने गए, तुम आराम करो। कॉन्ग्रेचुलेशन अम्मी, मेरा अन्ना ही माफ कर देना। आज वो सब बातें की, तुम अपना रिजल्ट सुनाओ। मैं लटक गया, लेकिन रामनाथ मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं शान से कह सकूंगा कि रामनाथ मेरे साथ पढ़ता था। श्री जयस्वर रामनाथ, श्री जयस्वर रामनाथ, श्री जयस्वर रामनाथ, 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 जीते रहो रामनाथ, जीते रहो। जीवन की हर परीक्षा में इसी तरह कामयाबी हासिल करो। आज मैं बड़ा खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं कह नहीं सकता। तुमने मेरी आशा पूरी कर दी। रिकॉर्ड मार्क्स लाकर तुमने अपने स्कूल का जो मान बढ़ाया है वो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। आज बार बार शर्मा जी की ही याद आ रही है। तुम्हारी इस कामयाबी से उनकी आत्मा को भी बड़ी शांति मिली होगी। देखो ना, वे भी मुस्कुराते तुम्हें आशीर्वाद दे रहे। रामनाथ, रामनाथ, आज बड़ी खुशी का दिन है। इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे एक बात कहे बगैर नहीं निकल सकता। बात यह है कि मुझे बार बार उसका ख्याल आ रहा है जिसका तुम्हारी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि उसने मना कर दिया था तो मैं तुम्हें ना बताऊं। मैं समझा नहीं सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन तो मैं तुमसे झूठ बोला था, और अगर ना बोलता तो ये खुशी का मौका देखना नसीब ना होता। बात यह है कि तुम्हारी फीस शर्मा जी ने नहीं भेजी थी। तो फिर? एक अंधा लड़का दे गया था, मैं उसे लेना नहीं चाहता था। मैंने मेरी फीस, लेकिन उसने मैंने मेरी इकरार किया मुझे? और वो मोहन, अब तुम बिल्कुल अच्छे हो गए, जल्दी घर जा सको। सब आपकी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आप लोगों ने ही तो मुझे अच्छा किया। अगर सिस्टर मेरी इतनी देखभाल न करती, इतना जतन न करती तो मैं नहीं बचता। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये देखिए डॉक्टर साहब, मेरा बेटा पास हो गया है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा पास हो गया? जी हाँ, ये देखिए उसका रोल नंबर 86784। आज मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर साहब। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। मिठाई विठाई कब खिला रहे हो? आज ही खाइए। डॉक्टर साहब, हाँ? SSC का नतीजा निकल गया क्या? हाँ, आज ही तो निकला है। मेरे एक दोस्त ने भी इम्तिहान दिया है, क्या उसका नतीजा मालूम हो सकता है? क्या रोल नंबर मालूम है आपको? नंबर तो नहीं मालूम। फिर कैसे मालूम हो सकता है? अरे भाई, मेरे खिलाफ। हाँ, आज ही खिलाऊंगा, सबको खिलाऊंगा, पेट भर के खिलाऊंगा। अरे भाई, कमाल हो गया, इस साल SSC में फर्स्ट आया एक लंगड़ा लड़का। लंगड़ा लड़का? हाँ भाई, उसका फोटो भी छपा है। डॉक्टर साहब, उसका नाम क्या है? रामनाथ गुप्ता। हाँ, रामनाथ गुप्ता। रामू, रामू, रामू फर्स्ट आया है, मेरा रामू फर्स्ट आया है। डॉक्टर साहब, यही मेरा दोस्त है। डॉक्टर साहब, जरा मुझे अखबार दीजिए। हाँ, उसकी तस्वीर कहाँ है? उसकी तस्वीर कहाँ है डॉक्टर साहब? कहाँ है, कहाँ है? लाओ बताओ। ये रामू, मेरा रामू, रामू। डॉक्टर साहब,
आप नहीं जानते रामू ने किन मुसीबतों में रहकर पड़ा है, कितना दुख उठा है उसने। ये आवाज किसकी है? ये आवाज तो मैं पहचानता हूं। कौन कौन आ रहा है? कौन? मोहन? रामू? मोहन? रामू तू पास हो गया। रामू मैं फेल हो गया। मोहन मैं फेल हो गया। पास तो तू हुआ है, मुझे माफ कर दे भाई। कैसी बातें करता है पागल। मैं क्या कभी तुझसे नाराज था? पहचानता था तू जरूर वापस आएगा। मुझे अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास था। मैं जानता था हमारी दोस्ती कभी टूटने वाली नहीं है। रामू कभी टूटने वाली नहीं। हाँ मोहन, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। अरे अलग हो तुम्हारे दुश्मन बेटा। मौसी, भगवान करे तुम्हारी जोड़ी इसी तरह बनी रहे। मौसी आज तो कुछ बड़ी खुशी का दिन है। मौसी मेरा रामू मुझे मिल गया। मेरी मिठाई। मोहन, आज इस खुशी के मौके पे तुमसे एक बात कहूँ? कहिए। तुम्हारी इस खुशी में कोई और भी शरीक होना चाहता है। कौन डॉक्टर साहब? जिसकी दिन रात की सेवा टहल से तुम्हारे अच्छे हो सके हो, वही तुम्हारी दीदी मीना। दीदी? वो मेरी दीदी है डॉक्टर साहब। हाँ। मेरी दीदी है। दीदी दीदी For more updates, like, comment, subscribe to our channel.